बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है, जो ग्रुप हम इनपुट डिवाइस में पढ़ेंगे उन ग्रुप का नाम है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस। इसमें हम दो तीन किस्म के ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस क्या है? अलाउ द कंप्यूटर टू सी इनपुट। ये कंप्यूटर में इनपुट को एंटर करने के लिए, फीड करने के लिए यूज़ होता है, करते हैं, लेकिन इस फॉर्म में कि कंप्यूटर उनको देख सके और फिर उसको इनपुट के लिए अलाउ कर सके। जिस तरह इंसान आंखों से देखता है और वो देखने के तरीके से बहुत सी चीज़ों को की इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में भेजता है, देखने से वो पढ़ता है और इंफॉर्मेशन और मालूमात, वो एजुकेशन अपने दिमाग में भेजता है, तो यही तरीका कंप्यूटर का भी समझ ले कि ये तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन इनपुट डिवाइस किस तरीके से, कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, माउस से हम क्लिक करते हैं, तो ये वाला जो इनपुट डिवाइस है ये किसी चीज़ को देखता है और देखने के ज़रिए, ठीक है, उसको देख के यानी लाइट के फॉर्म में कंप्यूटर में वो डेटा एंटर होता है। अभी आप आगे समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है कि किस तरह कंप्यूटर किसी चीज़ को देख के उसको एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि इंसान के दिमाग में मालूमात पहुंचती है या तो किसी चीज़ को पढ़ता है देख के, या किसी चीज़ को सुनता है ऑडियो के थ्रू, या किसी चीज़ को टच करके यानी फिजिकल टचिंग, या इस तरह समझे सोशल कॉन्टेक्ट के जरिए, कॉन्टेक्ट करके कॉन्टेक्टिंग के जरिए वो किसी चीज़ को कोई इंफॉर्मेशन लेता है। तो कंप्यूटर का भी यही समझ ले, कंप्यूटर बहुत से तरीक़ों से इनपुट लेता है। उसमें एक इनपुट का तरीका यह भी है कि किसी चीज़ को देख के उसकी इमेज को लेके, ठीक है, लाइट को यूज़ करके वो इनपुट लेता है। इसमें जो हम डिवाइस पढ़ेंगे उसका नाम है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर्स क्या है? बारकोड रीडर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द बारकोड रीडर, बारकोड रीडर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर रीडिंग प्रिंटेड बारकोड्स, ठीक है, यही बारकोड रीडर की क्या है डिफिनेशन है कि बारकोड रीडर क्या है। बारकोड रीडर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बार्स को, प्रिंटेड बार्स को रीडिंग रीड करता है। ये देख ले, इसको हम बार कहते हैं, ठीक है, ये क्या है, प्रिंटेड बार्स है, वर्टिकल लाइंस है ये, ठीक है, ये हर एक प्रोडक्ट पे होंगे, आपके CNIC पर भी ये होंगे, हर प्रोडक्ट पे इसी तरह ये बार कोड्स होते हैं। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग वाला है, ये वाला, ये स्टार्टिंग का है और ये एंडिंग का है, ठीक है, ये अगर देख ले तो और बार कोड्स लाइन के नस्बत इनकी जो हाइट है वो ज़रा क्या है, ज़्यादा है, मतलब ये और बारकोड से ज़रा अलग किस्म की बारकोड है। अच्छा, स्टार्ट में ये दो लाइंस है और एंड में ये देख ले तो ये तीन लाइंस है, ठीक है। तो इस तरीके से बारकोड या रीडर को पता चलता है कि इसका अप एंड डाउन पोजीशन कौन सा है, एंड डाउन एंड अप पोजीशन कौन सा है, ठीक है, यानी ये उल्टी सीमत में है या सीधी सीमत में है, ये स्टार्टिंग बारकोड रीडर और ये एंडिंग बारकोड रीडर, और इनके दरमियान ये जो और बारकोड्स है ये पर प्रोडक्ट की डेटा के बारे में है, यहाँ तक, ठीक है, प्रोडक्ट की डेटा के बारे में ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में एक्चुअल डेटा जो है वो इन लाइंस में मौजूद है। अच्छा, जब बारकोड रीडर इन बारकोड्स को रीड कर लेता है, ठीक है, यानी इन पे लाइट्स पड़ती है बारकोड रीडर से और लाइट जो है इन लाइंस को रीड करके रिफ्लेक्ट होके वापस बारकोड रीडर की तरफ जाती है, कन्वर्ट बारकोड्स टू नंबर। जब वो वापस बारकोड रीडर के पास पहुंचती है तो क्या करते हैं, जो लाइट रीड होके बारकोड रीडर के पास वापस पहुंच जाती है तो फिर उनमें से डेटा को या उन बारकोड रीडर को, जो बारकोड रीडर है डिवाइस है, उसको UPC कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द UPC कोड, UPC की स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, ठीक है, प्रोडक्ट
कोड, ठीक है, यानी हर एक प्रोडक्ट का अपना एक कोड है, उसका नाम है यूपीसी कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन हो जाए या एमसीक्यूज आ जाए कि व्हाट इज यूपीसी, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, इट इज द यूपीसी, यूपीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, इज ए बार कोड सिंबोलॉजी यूज फॉर ट्रैकिंग ट्रेड आइटम्स। ये एक सिंबोलॉजी है, एक सिंबल है, ठीक है, एक तरीका है जिसके थ्रू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को या प्रोडक्ट के डेटा को कलेक्ट किया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट के ऊपर ये बारकोड रीडर है, तो इस बारकोड ये बारकोड्स है, इन बारकोड में इस प्रोडक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, तो इस सिंबॉलिक को, इस तरीकेकार को हम कहते हैं बारकोड सिंबोलॉजी यूज फॉर ट्रैकिंग सिंबोलॉजी। बारकोड सिंबोलॉजी किस लिए यूज होती है, यूज फॉर ट्रैकिंग ट्रेड आइटम्स, ठीक है, जो ट्रेड आइटम्स है, बिजनेस आइटम्स है, उनको ट्रैकिंग के लिए, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, उसका डेटा रीड करने के लिए ये बारकोड सिंबोलॉजी यूज किया जाता है इन स्टोर्स, ठीक है, जो कि स्टोर में होती है, ये स्टॉक्स में होती है। वर्क बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट, बारकोड रीडर जो है ये किस तरह काम करता है, ये किसी प्रोडक्ट पे लाइट को, जो कि लेजर लाइट होती है, वो थ्रो करता है और वो लाइट उस प्रोडक्ट से रिफ्लेक्ट होके, यानी प्रोडक्ट के बारकोड बार से रिफ्लेक्ट होके वापस बारकोड रीडर की तरफ जाती है। अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इंडिकेट्स नंबर्स, और जितनी अमाउंट ऑफ लाइट बारकोड रीडर के पास पहुंचती है तो उससे बारकोड रीडर को पता चल जाता है कि मेरे पास इतने नंबर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो पहुँच रहे हैं। यहाँ पर अगर देख ले तो हर एक बार के लिए अपना एक नंबर है, जीरो है, फिर वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, ठीक है, तो अगर हम इनको गिन ले यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, तो ये 12 नंबर जब बारकोड रीडर के पास पहुंचेगी तो उसको पता चलेगा, ये नंबर नहीं पहुंचेगी, उनको 12 बारकोड्स लाइंस पहुंचेगी, तो उसको पता चलेगा कि ये लाइंस में, असल में हर एक लाइन में एक एक डेटा है, ठीक है, एक एक नंबर है, तो उसको पता चल जाता है कि मेरे पास 12 नंबर रिफ्लेक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होती है उतना उसका मतलब यह है कि इतने नंबर्स बारकोड रीडर को रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये बारकोड है, ठीक है, उसकी वर्किंग का जरा डायग्राम के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बारकोड रीडर डिवाइस है ये, ठीक है, और ये समझे, ये वाला समझे, ये वही चीज़ है यहाँ पे रखा हुआ है, समझे कि ये एक क्या है, ये बारकोड पैटर्न है, बारकोड लाइंस है। ये क्या होता है, बारकोड की प्रोडक्ट को सामने रखते हैं, उस पर ये बारकोड्स होती है, तो इस डिवाइस से क्या हो जाता है, लाइट जो है इस बारकोड पैटर्न्स पे पड़ती है और इससे रिफ्लेक्ट होके इसके पास वापस जाती है। जब ये लाइंस वापस जाती है तो इन लाइंस में डेटा जो है वो इस बारकोड डिवाइस को पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देख ले तो ये हमारे पास लाइंस है, ठीक है, ये लाइट पड़ रही है इन बारकोड्स पे और जहाँ पे ये वाइट एरिया इसको मिलता है तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ब्लैक पे लाइट पड़ती है तो ब्लैक से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, वाइट पे लाइट पड़ती है तो वाइट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। बारकोड स्कैनर आर मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स, बारकोड जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसमें इल्यूमिनेटर, इल्यूमिनेटर का काम ये है कि इल्यूमिनेटर वाला पार्ट जो है रे लाइट को थ्रो करता है, लाइट को बनाता है और लाइट को थ्रो करता है, यानी ये वाली लाइट जो आई है ये इल्यूमिनेटर से आई है। दूसरा उसमें है कन्वर्टर, उसमें एक चिप लगा हुआ है, एक डिटेक्टर लगा हुआ है, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके बारकोड रीडर के पास जाती है तो वो उसको क्या कर देता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है नंबर में और फिर वो डिकोड होके मतलब वो लाइट जो वापस उसके पास जाती है वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। द इल्यूमिनेटर शूट्स आउट अ लाइन ऑफ लाइट टिपिकली रेड एट द बारकोड, ठीक है, इल्यूमिनेटर का काम यह है
कि ये लाइट को बारकोड बार्स पे लाइट को थ्रो करता है. लाइट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बारकोड फ्रॉम एनीवेयर दैट इज नॉट ब्लैक इन द फॉर्म ऑफ वेव. बारकोड रीडर जो है, बारकोड जो पैटर्न्स है, लाइंस है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी. लेकिन सारों से होती है या चंद लाइन से होती है, तो जहाँ पे ये वाइट लाइंस है उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और जहाँ पे ये ब्लैक लाइंस है उनसे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती. इसमें भी अगर आप देख लें तो जहाँ वाइट लाइन पे लाइट पड़ रही है उससे ये येलो लाइंस के फॉर्म में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और जहाँ पे ब्लैक एरिया पे ये लाइट पड़ रही है तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती. जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर डिवाइस के पास पहुँचती है तो डिवाइस में एक कन्वर्टर होता है, ठीक है. तो कन्वर्टर का काम यह है कि इस रिफ्लेक्टेड लाइट को वो कैप्चर कर ले. द कन्वर्टर कन्वर्ट्स द वेव इनटू अ रीडेबल फॉर्म फॉर द डिवाइस. और उस कन्वर्टर का काम यह है कि इन लाइट को कन्वर्ट कर दे, ट्रांसलेट कर दे, किस में, नंबर्स में, उन नंबर्स में जिसको कंप्यूटर समझता है, यूपीसी कोड में. डिकोडर रीड्स द कन्वर्टेड इंफॉर्मेशन, और फिर उसमें डिकोडर लगा हुआ है, वो इन नंबर्स को डिकोड कर देता है, ठीक है, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. यहाँ पे अगर हम देख ले ये, तो ये नंबर तो इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में नंबर तो कंप्यूटर नहीं समझता. हाँ, कंप्यूटर के इस डिवाइस के पास ये नंबर इस फॉर्म में पहुंच जाती है, लेकिन ये नंबर अगर कंप्यूटर के पास चली जाए तो कंप्यूटर इसको नहीं समझता. तो कंप्यूटर पर क्या करता है ये डिकोडर, इन नंबर्स को कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्म में यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है. यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये लाइन्स जो है इस फॉर्म में होती है, ये वाली, ये जब रिफ्लेक्ट होते हैं इस फॉर्म में होती है. डिकोडर के पास जब पहुंच जाती है तो इन लाइंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. तो ये एनालॉजिकल एनालॉग फॉर्म है, और कंप्यूटर को समझने वाली जो फॉर्म है वो ये वाली है, डिजिटल फॉर्म है, ठीक है. एनालॉग सिग्नल है, और फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. जब यह डिजिटल कोड में कन्वर्ट हो जाती है तो इसकी लाइन की ये जो ग्राफ्स है वो इस किस्म की फॉर्म में, शेप में चेंज हो जाती है. अब जहाँ कभी भी इस किस्म की लाइंस को देखें तो आप समझ जाए कि ये जो लाइंस है ये डिजिटल फॉर्म में है. अगर इस शेप में लाइंस को देखें तो आप समझ जाए कि ये एनालॉग फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में नहीं है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक दूसरे स्लाइड में फिर हम इसको स्टडी करेंगे.